जय भीम दोस्तों, माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग अंबेडकराइट एक्टिविज्म। और मेरे साथ है मेरी वाइफ स्वाति। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को शौर्य दिन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी, स्वाति की तरफ से भी। और आज हम जा रहे हैं भीमा कोरेगांव, जो हमारे 500 शूरवीर थे उनको ट्रिब्यूट करने के लिए। तो स्वाति पहली बार जा रही है, और इसमें स्पेशल थिंग ये है कि स्वाति मेरे साथ होने के कारण हम लोग जा रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस से। तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस होगा वंदे भारत एक्सप्रेस का भी। मैं तो दोनों चीजों के लिए एक्साइटेड हूँ। अच्छा, तो सबसे मेरा फर्स्ट ट्रिप जो है वो काफी ज्यादा अच्छा होगा एंड मैं नेक्स्ट ईयर भी फिर से जा पाऊँ। अरे अच्छा ही होगा। इनफैक्ट बहुत लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो भीड़ तो होती ही है। तो स्वाति उस चीज़ से डर रही थी, तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम वंदे भारत एक्सप्रेस से जाएं, उसका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा एंड जो क्राउड होता है ट्रेन का या फिर गाड़ी का, उससे भी हम लोग बच जाएंगे। यहाँ पे जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो दो तरह की है, एक तो होती है चेयर कार और एक जो होती है एग्जीक्यूटिव चेयर कार। तो जो एग्जीक्यूटिव चेयर कार जो है बेसिकली वहाँ पे दो दो सीट्स होती हैं एंड जो चेयर कार है वहाँ पे 3+2 सीट्स होती है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइनली दोस्तों हमारा जो सफर है वंदे भारत एक्सप्रेस का वो खत्म हो चुका है, पुणे जंक्शन हम लोग पहुंच चुके हैं। सो वेबा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वंदे भारत एक्सप्रेस का? ओके ओके, सो माय वाइफ सेड ओके ओके, बट टू बी ऑनेस्टली मैं कहूँ तो लग्जरियस एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं था ये। मतलब जिस तरह से बताया जाता है कि लग्जरियस एक्सपीरियंस है वंदे भारत में, बट लग्जरियस एक्सपीरियंस किसी भी एंगल से नहीं था। वेल फ्रेंड, अभी हम लोग पुणे जंक्शन पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमारा सफर शुरू होने वाला है भीमा कोरेगांव का। बट उससे पहले थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं। स्वाति का कहना है कि अगर बस से जाना है तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी, हम लोग ओला से जाते हैं, पर ओला से यार 700 रुपीज़ ले रहे, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम बस से ही जाए। इसके लिए मैं अंडर आइस पार्सल लिया हूँ और मैं खुद भुर्जी पाव खा रहा हूँ। एनीवे मेरा आ चुका है। थैंक यू। अंडा भुर्जी का टेस्ट काफ़ी बढ़िया था। अंडा भुर्जी के साथ मैंने पानी पूरी भी मंगाई थी, तो पानी पूरी भी मैंने खाई और दोनों चीज़ें मैंने ही खाई। स्वाति के लिए जो मैंने खरीदा था वो अंडा राइस खरीदा था, जो उसने बाद में ऑटो में खाया, बिकॉज हम ऑटो से गए, बस से हमें जाना था बट बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो आगे आप लोग देख सकते हैं। फिर दोस्तों बस में बहुत ज़्यादा क्राउड होने के कारण हम लोग अभी ऑटो से जा रहे हैं, स्वाति पीछे बैठी है। एक्चुअली वन थॉट किया है करके मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ड्राइवर की सीट पे चलिए, ड्राइवर सर लेट हो रहे हैं। दोस्तों भीमा कोरेगांव स्तंभ की और हम लोग आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे भीमा कोरेगांव स्तंभ है और मेरे साथ है मेरी वाइफ। तो पहली बार मेरी वाइफ भीमा कोरेगांव स्तंभ को देख रही है। हिस्ट्री तो मैंने उसको बता रखी है। Thank you.
जय भीम दोस्तों, राइट नाउ वी आर एट भीमा कोरे का स्तंभ। कितने करीब है ये मेरे स्तंभ दोस्तों? 500 महाराज ने यहाँ से ही पूरे दुनिया में शौर्य की गाथा लिखी थी, पूरे दुनिया को बताया था कि हम भी शूरवीर हैं। केवल 500 महारो ने 25,000 पेशवाओं को नेस्तनाबूद कर दिया था। तो दोस्तों ये महारो की ताकत है, क्योंकि इस देश में जो पद्धति है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें केवल क्षत्रियों को ही हथियार उठाने का अधिकार था, शस्त्र उठाने का अधिकार था। और दोस्तों इन 500 महारो ने साबित किया है कि इस पूरे दुनिया में हर किसी को अगर मौका दिया जाए तो वो सिद्ध कर सकता है। इन महारो ने ये साबित किया कि हम भी शूरवीर हैं। सर्वी मनुयाया ना विनंती, अद्यापही कोरोनाचा प्रादुर्भाव संपलेला नाही, त्यामुळे कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी शासनाने दिलेल्या नियमांचं काटेकोरपणे सर्वी मनुयाया भाई, जो हमारे पीछे जो लोग तुम देख रहे हो, ये अलग अलग रीजन से आए हुए लोग हैं, पूरे भारत भर से आए हुए लोग हैं, और जो 31st मना रहे हैं, अभी पार्टी कर रहे हैं। तो हर साल इस तरह से अम्बेडकरवादी लोग यहाँ पर 31st मनाते हैं, नया साल की शुरुआत यहीं से करते हैं, एक नई एनर्जी लेकर जाते हैं। मैं तुमको यही दिखाने के लिए यहाँ ले आया था। तो मेरा मोटो तो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को समाप्त करने से पहले आप सभी को भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम नमो बुद्धाय। शौर्य दिवस की शुभकामनाओं के साथ में मेरी ओर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर हो, और मेरी ओर से भी आप सबका जो नया साल है वो बहुत खुशियों भरा हो, बहुत बहुत ज्यादा हैप्पीनेस हो, और इतना ही एनर्जेटिक हो जितना आज है। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। Just a little bit.